नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विलेज कढ़ाई चैनल में। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही चटपटी सब्जी। तो आज हम बनाएंगे बेसन भिंडी की सब्जी। तो ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो जिस तरह से मैंने बनाया है, यदि आप इस तरह से बनाएंगे तो सब्जी आपकी जो भिंडी की बेसन की सब्जी है बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी। तो जो लोग भिंडी की सब्जी नहीं पसंद करते हैं, वो भी इस तरह से यदि आप बनाकर खाएंगे तो सब्जी आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए ये देखिए, हम आ गए हैं भिंडी खेतों में। तो यहाँ पर बरसात वाली जो भिंडी है वो लगाई गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी की यहाँ पर भिंडी है। और ये वाली भिंडी हाइब्रिड वाली है, काफ़ी बड़ी बड़ी और लंबी लंबी ये भिंडी होती है। तो ये देखिए, इसके ये फूल हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर फूल हैं। और ये देखिए, इसमें कितने सारे एक ही पेड़ में फरे हुए हैं भिंडी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर तक इसके पेड़ हैं, जो उसमें भी भिंडी इसी तरह से फरा हुआ है, बहुत ही अच्छे से फरा है ये। और इसके फूल भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर हम देख करके भिंडी को तोड़ लेंगे। तो यहाँ मैंने हाथों में ग्लव्स नहीं पहना है दोस्तों, यदि आप लोग तोड़ रहे हो भिंडी तो उसमें हाथों में ग्लव्स पहन लीजिएगा। तो जब हमें भिंडी ज़्यादा तोड़ना पड़ता है तो हम हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं। तो यहाँ जो मैं सब्जी आज बनाने वाली हूँ उसके लिए भिंडी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 8-10 भिंडी में ही हो जाएगा, जिसका जितना परिवार है उस हिसाब से। तो ज़रूरत के हिसाब से हम भिंडी को तोड़ लेंगे। तो जो नरम और मुलायम भिंडी है वही हम तोड़ेंगे। तो यहाँ जरूरत के हिसाब से हमने भिंडी को तोड़ लिया है। अब चलते हैं घर की तरफ और बनाएंगे रेसिपी। तो भिंडी को लेकर के हम घर आ गए हैं दोस्तों। तो इसको देखिए, हमने बहुत अच्छे से धोकर के साफ कर लिया है। तो इसके दोनों साइड को हम सबसे पहले कट लगा लेंगे। तो अब हम इसको बीच में से कट लगा लेंगे। इसको हमें बीच में से काट लेना है, इस तरह से इतना बड़ा बड़ा रखना है और इसके बीच बीच में चीरा लगा देना है। जिस तरह से हम भरवा भिंडी बनाते हैं उसी तरह से हमें इसमें चीरा लगा देना है। तो जो भिंडी को जिसको हमने काट लिया है उसमें मैंने 2-3 चीरा लगाया हुआ है, ये देखिए, इसी तरह से हमें इसमें 2-3 चीरे लगा देने हैं। तो इसी तरह से हमें भिंडी में दोनों साइड में कट लगाना है और इस तरह से इसको काट के बीच में इसके चीरा लगा देना है। तो जो भिंडी में हम 2-3 चीरा लगा रहे हैं, इससे एक फायदा होगा, उसको हम बाद में बताएंगे आपको। तो भिंडी को दो भागों में काट लेने के बाद इसके बीच बीच में चीरा लगा देंगे। तो इसी तरह से भिंडी को काट करके बीच में इसके चीरा लगाते जाएंगे। तो आप चाहे तो इसको और छोटे भाग में भी काट सकते हैं। तो बहुत से लोग इस भिंडी को साबुत भिंडी, जैसे पूरा भिंडी रहेगा उसी में चीरा लगा लेंगे, उस तरह से भी इसकी सब्जी बनाते हैं। तो मैं इसको काट रही हूँ ताकि इसमें अगर कीड़े वगैरह हो तो वो दिखाई दे अच्छे से। तो इसी तरह से सारी भिंडी को हम काट करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने 5 मीडियम प्याज लिए हुए हैं, इसको हम बारीक काट लेंगे। यहाँ पे मिर्च ले रखी, इसको भी हम बारीक काट लेंगे। और यहाँ 3 टमाटर लिए हैं, इसको भी हम बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्याज को बिल्कुल इस तरह से लंबे लंबे आकार में काट लेना है। तो प्याज को हमने काट लिया है, अब हम टमाटरों को काट लेते हैं। तो टमाटर के ऊपर कड़े वाले भाग को हम निकाल देंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े हम काट लेंगे। तो यहाँ पे जितने कड़े वाले टमाटर में भाग है उसको काट करके इसको हम बारीक बारीक काटेंगे। तो इसी तरह से हम टमाटर को काट लेंगे और इसके बाद हम मिर्च को भी काट लेंगे। तो ये देखिए, इस कटोरी में हमने बेसन ले रखा है और इसी चम्मच से हमने 4 चम्मच बेसन ले रखा है यहाँ पे। और सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक, तो नमक स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। और यहाँ पे जो मसाले ले रखे हैं, जीरा ले रखा है, गरम मसाला ले रखा है, हल्दी पाउडर ले रखा है और तीखी वाली लाल मिर्च ले रखी है, अजवाइन ले रखा है। तो इन सारी चीज़ों को हम बेसन में डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे हम। तो यहाँ सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे।
तो जो ये घोल हम बना रहे हैं ये हम 10 भिंडी के लिए हमने बनाया हुआ है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बहुत अच्छे से इसका घोल तैयार करेंगे। तो इसे हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना हो। बहुत अच्छे से इसे धीरे धीरे पानी डाल करके इसका हमें पेस्ट बनाना है। तो बेसन का घोल बनाते समय हमें बस ध्यान रखना है कि इसमें तुरंत पानी एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है। तो ये देखिए इस तरह का हमें घोल इसका तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें सूखा नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा गीला करना है। तो घोल बना करके इसको हम रख देंगे साइड में। तो ये देखिए चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी है और आग को जला लेते हैं। तो अब हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें भिंडी को फ्राई करना है। तो तेल को अब गर्म कर लेंगे। तो जो बेसन हमने घोल बना के रखा हुआ था इसको हम फिर से फेंट लेंगे ताकि इसमें फ्लफीपन आ जाए। तो अब जो हमने भिंडी ले रखी है इसको हम बेसन में डालेंगे और इस तरह से बेसन इसके अंदर भिंडी के बहुत अच्छे से हम इसमें लपेटेंगे। और इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, इसमें हम डालते जाएंगे और एक एक भिंडी में हम बेसन को लपेटेंगे और इस गर्म तेल में डालते जाएंगे। तो यहाँ हमें भिंडी को मीडियम आंच पे इसे पकाना है, तेज आंच पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे नहीं तो भिंडी अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसी तरह से हम बेसन में भिंडी को लपेटते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। तो ये देखिए जब ये एक साइड से हो जाए तो भी इसको हमें पलटना चाहिए, तुरंत हम इसको नहीं पलटेंगे नहीं एक दूसरे में और भी ज़्यादा चिपक जाएगा। तो ये बेसन की वजह से एक दूसरे में चिपके हुए हैं तो इसको हम पलटे की सहायता से एक दूसरे से अलग कर देंगे। देखिए बहुत आसानी से ये अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हमें भिंडी को मीडियम आंच में ही पकाना है। तो भिंडी को हमें उलट पलट कर बहुत अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे भिंडी को बहुत अच्छे से फ्राई किया है, बहुत अच्छे से तल करके इसको कुरकुरा एकदम कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं थाली में। तो ये देखिए जो बची हुई भिंडी थी इसको भी हमने बेसन में लपेट दिया है, इसको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये हमारा दूसरा बैच का भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो जब ये एक साइड से हो जाए तो इसको हम पलट देंगे। तो ये देखिए दोबारा वाला भी हमने फ्राई कर लिया है, इसको भी हम थाली में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से आपको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे तेल थोड़ा ज़्यादा था तो उसको हमने निकाल दिया है। इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, हींग डाल देते हैं और यहाँ एक बड़ी इलायची ले रखी है इसको डाल देंगे। और यहाँ पे हमने ले रखा है जीरा, इसको डाल देते हैं। काली मिर्च ले रखी है इसको डाल देंगे। एक लौंग है वो भी डाल देंगे। और यहाँ हमने लाल मिर्च ले रखी है इसको डाल देते हैं। तो तड़का यहाँ पे हमारा भून चुका है तो इसमें कटे हुए प्याज को डाल देंगे। तो कटे हुए प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक बहुत अच्छे से भून लेना है चला करके इसको। तो ये देखिए प्याज को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं हरी कटी हुई मिर्च, इसको डाल देंगे। तो मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप तीखा खाते हैं तो इतना डाल सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे लहसुन का पेस्ट हमने कूट करके तैयार किया है। और ये देखिए अदरक का पेस्ट हमने बनाया हुआ था, इसको हम डाल देंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम भून करके बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। इसमें डाल देते हैं टमाटर और इसको भी हम बहुत अच्छे से पकाएंगे एकदम गल जाने तक। तो ये देखिए टमाटर को हमने बहुत अच्छे से पका लिया है, काफ़ी हद तक ये एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसमें डाल देते हैं मसाले। तो इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और यहाँ हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले रखी है इसको डाल देंगे। और यहाँ पे तीखी लाल मिर्च ले रखी है इसको डालेंगे। और यहाँ ले रखा है धनिया पाउडर, इसको डाल देते हैं। तो सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे डाल करके मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमें मसालों को धीमी आंच पे ही पकाना है, तेज आंच पे हम इसको नहीं पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी ताकि मसाले और अच्छे से पक जाएं। तो पानी डाल करके मसालों को अच्छे से मिला देते हैं और इसको धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दही ले रखी है, तो 100 ग्राम दही यहाँ पे हमने ले रखी है। तो खट्टी दही है ये, तो इसको हम बहुत अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि इसमें ज़रा सा भी लम्स ना रहे।
तो इसे हम इस तरह से फेंट रहे हैं। आप चाहे तो हाथों से भी इसको फेंट सकते हैं। तो दही को बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें जरा सा भी गुठलियाँ ना रहे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे मसालों को बहुत अच्छे से भुना है। इसमें तेल भी बहुत अच्छे से अब दिखाई देने लगा है, यानी मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो इसमें हम दही को डाल देते हैं। यहाँ पे आंच को बिल्कुल ही कम कर देना है हमें। तो दही को डाल लेने के बाद तुरंत ही इसको हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे आंच को बिल्कुल कम कर देंगे ताकि यहाँ पे दही फटे नहीं। आप यहाँ पे आंच को तेज करेंगे तो दही फटने जैसी लगेगी और सब्जी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, दही को हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको पका लेते हैं। तो ये देखिए, दही को हमने मिला करके इसको बहुत अच्छे से अब पका लिया है। इसमें डाल देते हैं ग्रेवी के अनुसार थोड़ा सा पानी। तो ये देखिए, हमने अपने परिवार के हिसाब से इसमें पानी डाला हुआ है। आपको यदि ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो इसमें थोड़ा सा ही पानी डालिएगा। तो इसमें हम नमक डाल देते हैं और इसको मिला करके अच्छे से इसको पकाएंगे अब सब्जी को। तो ये देखिए, सब्जी में उबाल आने लगा है। तो ये देखिए, सब्जी में बहुत अच्छे से अब उबाल आने लगा है। तो इसमें डाल देते हैं गरम मसाला और इसको बहुत अच्छे से मिला देंगे। अब हमने यहाँ पे ले रखी है कसूरी मेथी, तो इसको हाथों से थोड़ा सा रगड़ लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो कसूरी मेथी जरूर डालिएगा, इससे सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। तो अब हम इन सारी चीजों को डाल करके 2-3 मिनट के लिए सब्जी को और पकाएंगे। तो ये देखिए, 2-3 मिनट के लिए हमने सब्जी को और पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी हुई थी, उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें इसको डाल लेने के बाद 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये देखिए, 1 मिनट के लिए सब्जी को हमने और पकाया था। अब हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती, और धनिया की पत्ती डाल लेने के बाद इसको हम मिला देंगे। तो अब हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम नीचे उतार देंगे। तो चलिए, आपको प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो ये हमारी चटपटी सी भिंडी की सब्जी बनकर के तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।